और ये खबर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की अनुमति मिल गई है। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी। भोपाल में 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को अब टीका लग सकेगा। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण अधिकारी बैठक करेंगे। बैठक में बच्चों के टीकाकरण को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीन शुरू होना है, तो 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बैठक की जाएगी और भोपाल में 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगेगा। सदफ हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सदफ, वो बच्चों के लिए खासा राहत वाली खबर है और बच्चे को अगर टीका लग जाता है तो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से एग्जाम यानी कि दे सकेंगे, कोई परेशानी उनको नहीं होगी, बेफिक्र होकर एग्जाम वो दे सकेंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है और काफ़ी बड़ी ये खबर है, और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही राहत की खबर नहीं है बल्कि उनके परिजनों के लिए भी एक बड़ी और राहत की खबर है, जहां पर 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है देश भर में। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो यहाँ पर भी देखिए 1.25 लाख जो किशोर हैं 15 से 18 साल की उम्र के, उनका यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। उसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एक बैठक करेंगे महत्वपूर्ण, और उसमें रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से बच्चों का टीकाकरण किया जाना है, कितने यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं बच्चों के लिए अलग से बनाए जाने हैं, अलग से व्यवस्था की जानी है, वो इस बैठक में यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो परिजनों की अगर हम बात करें, जिनके बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो काफ़ी यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि बच्चों का यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और पेरेंट्स के दिल में भी एक डर था कि अगर स्कूल जाएंगे और संक्रमित होते हैं बिल्कुल उन्हें आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खबर उन परिजनों के लिए, उन बच्चों को बिल्कुल, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम जो संबोधन अपना दिया उसमें उन परिजनों को राहत जरूर दे दी है जो कहीं ना कहीं चिंतित होकर बैठ रहे थे और बच्चों को स्कूल भी भेज रहे थे, तो उनमें एक चिंता की लकीरें जो है उनके माथों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन ये राहत भरी खबर अब उनके लिए भी है। सदफ, आप बने रहिए हमारे साथ।